जोहार झारखंड, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। भारतीय सूचना अधिकार परिषद द्वारा प्रेस क्लब रांची में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के उपलक्ष्य में 13वीं वर्षगांठ पर अपना विचार व्यक्त करते हुए के बैनर तले जो आज हम लोग प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए हैं, इसका मूल उद्देश्य इस संगठन को, जैसे जैसे अब एक भाई ने हमारे कहा कि ये एक आंदोलन है, तो आज से एक भारतीय सूचना अधिकार परिषद आज के बाद, अभी के बाद एक आंदोलन का रूप धारण करेगा और बहुत जल्द इसका रूप यहाँ की सरकार से लेकर के सभी को देखने को मिलेगा। आज इस बैठक में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, हम लोग के बड़े भाई, हम लोग के मार्गदर्शक, और इनके बारे मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ भी कहूं तो कम पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के देन है कि आज हमको एक ताकत, एक ऊर्जा मिला है कि हम कहीं भी चले जाते हैं, लगता है कि पीछे मेरा कोई आदमी खड़ा है और मैं बेधड़क इस पर कोई भी काम करने में आगे बढ़ता हूं। और इस मंच में हमारे इस मंच के और इस संगठन का अध्यक्ष श्रीमती इंदु देवी जी, जो विगत 2006 से अभी तक लगातार आरटीआई करके कितने अधिकारियों को, कितने लोगों को इन्होंने उसको अपना जगह दिखलाया है, ये बयान करना मुश्किल है। इसी बीच उपस्थित हमारे इस मंच को संचालन कर रहे हमारे शमशेर भाई, जो एक जुझारू, एक लड़ाकू और एक इनके अंदर जो जज्बा है, जो सीधा टकराव करने की जज्बा है, मैं इनको सलाम करता हूं, क्योंकि इन्होंने केंद्रीय मंत्री जसवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा और वहां के डीसी से जब लगातार इन्होंने लड़ाई किया तो इनको काफी प्रताड़ित किया गया। आज जेल जाने की नौबत में है, ये भागे भागे फिर रहे हैं, इनको गलत कार्यों में फंसाया गया है। और यहां पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, और मैं उनको किस शब्दों में बोलूं, वो शब्द मेरे पास है नहीं, क्योंकि हमारे जनेंद्र भाई जो आज आपके बीच आए हुए हैं, इनका बाईपास सर्जरी कल ही हुआ है और कल आने के बाद ये हमको अपने अस्पताल में ही वादा किए थे कि मैं जरूर आपकी मीटिंग में जाऊंगा और जो हो सकता है मैं अपने मार्गदर्शन देने का काम करूंगा। मैं इनका बहुत 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 शुक्रगुजार हूं। और यहां पर उपस्थित हमारे सुभाष मुंडा भाई, जो एक नौजवानों का भी एक जुबान है, जो इन्होंने संघर्ष रातों में किया है, मैं इनके भाई के साथ भी संघर्ष किया हूं मिलके, जो भी वर्तमान में प्रमुख है, और आज इनकी जो बोलबाला है, जो संगठन है, वो आम जनता के लिए जो लड़ाई लड़ता है, वो हम समझते हैं कि अभी किसी संगठन में हमने नहीं पाया है। तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश होगा कि इस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, आप ईमानदारी से लड़े। आज जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूं, मैं अपने शब्दों में प्यार नहीं कर सकता हूं। आज आए दिन मुझे धमकियां मिल रही हैं, हमारे सुतेर भाई गए थे, सुमित जी गए थे, और जब इतना लोगों को देखते हैं तो एक जज्बा मेरे अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि हमारे इस राज्य में अफसर सभी भ्रष्ट हैं, बहुत से अफसर ऐसे भी हैं जो आज भी हमारे बीच में एक ईमानदारी के रूप में काम कर रहे हैं। और उस ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है
जो भी उनको बदनाम किया जा रहा है, पाकुड़ में जो आपके डीजे हैं दिलीप झा, मैं कुछ भी कहूं उनके बारे में कम पड़ेगा। उन्होंने काफी हमको सहयोग करके एक लड़ाई में सीबीआई जांच तक ले जाने का काम किए हैं, और इस तरह बहुत सी मामलाएं हैं जो हमने पीआईएल किया है और रास्ते पर लाने का काम किया है और लोगों से लड़ने भिड़ने का काम किया है। अभी अभी एक बात हम आप सब तमाम साथियों से कहना चाहूंगा, मैं भावुक इसलिए हूं कि आज जितने भी हमारे भाई हैं, लगता है मेरा एक अंग है। और अपना पक्ष रखिए और उसको आगे लड़ाई लड़िए। आज हमारे अरुण भाई है, काफी तकलीफ से गुजर रहे हैं और इस मंच की ओर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सारे पेपर के माध्यम से राजू सर के पास अपना रखें, उसके लिए जो हो सकता है हम लोग सब मिलजुल के प्रयास करने का काम करेंगे। साथियों, आज मुझे काफी खुशी है, गर्व है और एक और आज हमको एक ऊर्जा और ताकत मिला है। मैं ये महसूस नहीं करता हूं कि मैं 50 साल का हूं, मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं 18 साल का हूं। और मैं ये वादा करता हूं आपसे कि एक बहुत बड़ा रंग हम सब भाइयों के चलते आपके सामने बहुत जल्द ये दशहरा छुट्टी के बाद आपको देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य सहकारी बैंक जो पूरे झारखंड में है, हर जिला में है, प्रखंड स्तर में 105 ब्रांच है, और सभी ब्रांचों में हर ब्रांच में कम से कम 5 करोड़ का घोटाला है। दूसरी बात की अवैध नियुक्ति हर ब्रांच में है, अभी हमने इसका पर्दाफाश करने का काम किया, सामने ले आया, सामने हो गया, सारा चीज सफाई में आ चुकी, जांच रिपोर्ट में आ चुकी है। और इस मुकाम को पाने के लिए हमारे एक मंत्री आज भी तरह तरह का प्रलोभन, तरह तरह का धमकी, किसी न किसी रूप में परेशान करने का नियत, कोई ना कोई साजिश में फंसाने की साजिश इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे शमशेर भाई जब गए थे जिस ब्रांच में हम लोग ने गया, उन लोग ने खाम में भी नहीं सोचा था कि इन लोग भी आएंगे, क्योंकि हमको सरकार से चिट्ठी मिली थी कि आप भी जांच में रहे, आपके आवेदन पर जांच कर रहे हैं, सहयोग मिलेगा। इस बात पर एक बात और कहना चाहूंगा, जब कोई आवेदन आप कहीं पर देते हैं और कोई जांच के लिए होता है, तो सबसे पहले उस आवेदन पर एक आग्रह आप जरूर करिए जांच पदाधिकारी से कि मेरी उपस्थिति में जांच किया जाए, चाहे किसी भी विभाग से संबंधित मामला हो। और अगर ये जांच आपकी उपस्थिति में नहीं होती है, वो जांच कोई मान्य की नहीं है। अभी अभी जब एक जांच कमेटी बनी हमारे ज्वाइंट रजिस्ट्रार के नेतृत्व में, 3 सदस्य टीम गठन हुआ, एक ऑडिटर है जमशेदपुर के, एक हमारे संयुक्त निबंधक है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के, और एक एआर है शर्मा जी, ये तीनों का किए कि तीनों जांच करने के बाद सारा चीज जांच में सामने जब आ चुका, 7 तारीख को जिला अंकेक्षण कार्यालय रांची में समाहरणालय में इन लोग एक जांच रिपोर्ट पूरे कंठस्थ तौर पर पूरे सही तरीके से इन लोग एक जांच रिपोर्ट तैयार किया, और जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद इन लोग 8 तारीख को, एक अधिकारी नहीं आए थे उस जांच टीम का, उसको दस्तखत कराने के लिए इन्होंने जमशेदपुर बोला कि जी नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा। आज 5 टीचर उनका परिवार का, एक ही परिवार का सदस्य 5 टीचर बोर्ड में है, और बहुत सारा मामला है। आज मुख्य सूचना आयुक्त, हम खुले रूप में बोल सकते हैं कि संसद से बात करके दिखा दे मुख्य सूचना आयुक्त, हम छोड़ देंगे झारखंड। अरे कोई इतना नहीं कर, उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे लोगों को हमको प्रोत्साहन करने की बहुत जरूरत है।
क्योंकि ये बेचारा दूसरे का खेत में सब्जी उगा के अपना जीवन यापन करता है, और जिस दिन से ही मेरे साथ जुड़ा है, इसकी ईमानदारी पर हमको क्या, हम कुछ भी कहेंगे तो कम पड़ेगा।